नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। हजारों फूलों के श्रृंगार से सजे बद्रीनाथ मंदिर और सिंहद्वार ने अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय बना दिया। श्री कपाट बंद होने के अवसर को भगवान बद्री विशाल में प्रातः काल से फूलों के अभिषेक में रहे। कपाट बंद होने से पहले धृत कंबल ओढ़ाया गया। बद्रीनाथ क्रांति भट्ट, अजय लाल, साक्षात भू बैकुंठ कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि और अवसर से पहले ही भगवान के मंदिर और विराट सिंह द्वार को हजारों फूलों से सजाया गया था। हिमालय की उपत्यका के बीच प्रकृति, ईश्वर, लोक मान्यता, धार्मिक मान्यताओं, विधि विधान को देखकर यहां आए हजारों श्रद्धालु अभिभूत हो गए। पूरी बद्रीपुरी जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गूंजती रही। इस बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट शनिवार को संध्या के समय वृष लग्न पर बंद हुए। भगवान के दर्शन की एक झलक पाने के लिए भारत के विभिन्न इलाकों से भारी संख्या में यात्री पहुंचे। हर कोई भगवान के दर्शन के लिए आतुर दिखा। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों, हकहकुकधारियों, पुलिस, स्थानीय जनता ने सभी यात्रियों को भगवान के दर्शन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद की तिथि के पूर्व काल तक जहां भगवान बद्री विशाल अभिषेक चंदन के लेप व नवरत्न हीरे एवं जवाहरतों से किया जाता है। कपाट बंद होने के दिन सुबह से लेकर कपाट बंद होने से कुछ समय तक विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने फूलों से सजे भगवान के दर्शन किए। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल को भारत के आखिरी गांव माना गांव की अविवाहित बालिकाओं द्वारा बुने ऊन के कंबल पर घी का लेप को लगाकर रावल ने भगवान को ओढ़ाया। बद्री विशाल के कपाट बंद होने के क्षण को स्मरणीय बनाने के लिए सेना ने सिंहद्वार के बाहर बैंड की मधुर ध्वनि बजाई, जिस श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान बद्री विशाल की सेवा में हर कोई श्रद्धा से जुटे रहे। अंकित डिमरी, ज्योतिष डिमरी, हेमंत डिमरी, सतीश डिमरी, अरविंद डिमरी, जगमोहन भंडारी, सनोद डिमरी, देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी इस वर्ष कोरोना काल से लेकर मंदिर बंद होने तक की इस वर्ष भगवान बद्री विशाल की सेवा में जुटे रहे। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।